हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह है वीडियो किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड। दोस्तों, जैसा कि यह छठवां वीडियो है किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से, इससे अतिरिक्त मैं सभी टॉपिक को वीडियो प्रैक्टिस करा चुकी हूँ बीपीएससी एंड ईएमआरएस के लिए, एंड केवल यही दोनों के लिए नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी वीडियो, सभी क्वेश्चन। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड दोस्तों, लास्ट में परीक्षा आते आते मैं आपको 2-3 मैराथन क्लास भी दे दूंगी, पूरा प्रैक्टिस करा दूंगी। बस डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए और अपने सेल्फ स्टडी में भी ध्यान दीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, शरीर यांत्रिकी में कौन सा आंतरिक बल माना जाता है? तो आंतरिक बल जब भी बात करें खेल क्रियाओं में या शरीर यांत्रिकी में, किन्सियोलॉजी में, तो वहाँ पे आंतरिक बल में आपका मांसपेशीय बल यानी कि मसल्स फोर्स राइट हो जाएगा। एंड बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो वायु का दबाव, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, घर्षण बल, ये सभी आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु एवं लिंग भेद का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसके माध्यम से हम सारी क्रिया कार्यक्रम का निर्माण करते हैं, सारी क्रिया कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हुए कोई योजना बनाते हैं। तो आलाभदायक अब यहाँ राइट होगा, उपरोक्त सभी यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एंड नेक्स्ट है, किसमें हवाई कालाबाजी प्रक्षेप सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई यानी कि हाइट, यानी ऊंचाई में हवाई कालाबाजी प्रक्षेप सिद्धांत सर्वोत्तम उदाहरण है। समानतः ऊंचाई में किसी वस्तु प्रक्षेप कालाबाजी आसान होता है। एंड नेक्स्ट है, भार पर किसके प्रदर्शन पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है? तो भार पर किसके प्रदर्शन पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है? तो यहां भी छोटे बच्चों पर राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल चिल्ड्रेन, यानी कि भार का मिश्रित प्रभाव सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों पर पड़ता है। भार प्रशिक्षण कंकालीय मांसपेशियों की शक्ति और आकार को विकसित करने के लिए एक आम तरह का शक्ति प्रशिक्षण है। कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक के माध्यम से पेशी द्वारा उत्पन्न बल का विरोध करने के लिए यह गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक परिशुद्धि दिखाने हेतु जीव यांत्रिकी सिद्धांत कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तिहरी कूद यानी कि ट्रिपल जंप। यानी जीव यांत्रिकी एक प्रकार का विज्ञान है जिसके माध्यम से किसी जीवित प्राणी पर लगने वाले आंतरिक एंड बाह्य बलों के प्रभाव की जानकारी मिलती है। खेल जीव यांत्रिकी यानी कि बायोमैकेनिक्स खेल विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत एथलीट या एथलीट उपकरण पर लगने वाले विभिन्न बलों का अध्ययन करते हैं एवं इन क्रियाशील बलों द्वारा उत्पन्न प्रभावों का भी पता लगाते हैं, उसे खेल जैव यांत्रिकी कहते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, किन्सियोलॉजी यानी पेशी विज्ञान जिसमें शरीर की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, जबकि जैव यांत्रिकी में क्या होता है कि शरीर के द्वारा वस्तुओं पर यानी उपकरणों पर जो बल लगता है, उपकरण पर जो लगने वाले विभिन्न बल हुआ उसका अध्ययन किया जाता है, इसीलिए उसका बायोमैकेनिक्स नाम है। ठीक है, बायो मतलब जीव, मैकेनिक्स मतलब भौतिकी वस्तु। तो जीव का वस्तुओं पर यानी उपकरणों पर लगाए गए बल का अध्ययन जीव यांत्रिकी यानी बायोमैकेनिक्स में किया जाता है, जबकि किन्सियोलॉजी में मानव गति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा शरीर को आगे एवं पीछे भाग के रूप में दर्शाया जाता है? तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी शोन इन फ्रंट एंड बैक? तो यहाँ पे आपने सही आंसर दे दिया होगा, शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है फ्रंटल प्लेन। कौन बांटता है? फ्रंटल प्लेन। जैसे कि जो हमारा अक्ष तल होता है, प्लेन होता है, तीन टाइप्स का होता है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल।
सेजिटल प्लेन शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट। और फ्रंटल प्लेन जो है शरीर को आगे पीछे बांटता है और गति दाएं बाएं होती है, जैसे एब्डक्शन एडक्शन मोमेंट। एंड तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो इसको ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और सभी रोटेटरी एंड एलिवेशन जो मूवमेंट होती है, सर्कमडक्शन मूवमेंट, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल चलने में यांत्रिक गति दौड़ने से निम्न प्रकार भिन्न होती है, तो हाउ डज मैकेनिकल स्पीड इन वॉकिंग डिफर फ्रॉम रनिंग इन द फॉलोइंग वेज। तो दोस्तों, पैदल चलने में यांत्रिक गति जो होती है दौड़ने से किस प्रकार से भिन्न होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गति स्थिरता दोनों। ठीक है, गति और स्थिरता दोनों से भिन्न होती है पैदल चलने में, यांत्रिक गति तथा स्थिरता यानी सपोर्टिंग फेज में होता है। दौड़ने की क्रिया में स्थिरता सपोर्टिंग फेज तथा गति नॉन सपोर्टिंग फेज में होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय गति उत्पन्न होती है, एंगुलर मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड। तो एंगुलर मोमेंट यानी कोणीय गति उत्पन्न होता है, कहाँ पे उत्पन्न होता है, वृत्तीय पथ में हमेशा होता है। किसमें? वृत्तीय पथ में, वृत्त के केंद्र में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर में कोणीय गति उत्पन्न होता है। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितने कोण घूम सकती है, घूम जाती है, उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दो सतहों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाला बल कहलाता है। तो दो सतहों के स्पर्श से होने वाला बल क्या कहलाता है, वह कहलाता है घर्षण बल, फ्रिक्शन। घर्षण बल खुरदरी सतह पर ज्यादा होती है और चिकनी सतह पर कम होती है। जैसे कि केले के छिलके पर पैर पड़ते ही आप फिसल जाते हैं, घर्षण जितना होगा उतना ही आप अच्छे से चल सकते हैं। यानी कि जब जो एक स्प्रिंटर होता है, एक धावक होता है, उसके जूतों में जो सोल लगाए जाते हैं, किले लगाए जाते हैं, वो घर्षण को बढ़ाने के लिए ही लगाया जाता है। जितना घर्षण होगा उतना ही आपके भूमि के साथ संपर्क बना रहेगा, आप गिरेंगे नहीं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजेनिक की पर्सनालिटी इन्वेंटरी मापती है। तो आइजेनिक की पर्सनालिटी इन्वेंटरी जो है इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन को मेजर करता है। आइजेक ने 1953 की पर्सनालिटी में अंतर्मुखता, बहिर्मुखता यानी इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन एंड स्नायु विकृतीय स्थिरता यानी न्यूरोट्रिक्सिज्म स्टेबिलिटी को मापती है। आइजेक के ये दो विधाएं अर्थात अंतर्मुखता बहिर्मुखता और स्नायु वृत्ति स्थिरता आपस में मिलकर चार वृत्तपाद उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि गति की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो इसकी दो इकाई होती है, याद रखिएगा, अगर मीटर प्रति सेकेंड, क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर पर आवर दो होगा। यदि मीटर के साथ देगा तो प्रति सेकेंड होगा, किलोमीटर के साथ होगा तो पर आवर यानी प्रति घंटा होगा। तो यहाँ भी मीटर प्रति सेकेंड दिया नहीं है, यहाँ भी दिया है किलोमीटर पर आवर। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, सेट आदेश पर स्प्रिंटर की स्थिति रहती है। जैसे कि जब इस दौड़ चालू होता है तो स्प्रिंट दौड़ो जैसे कि 100, 200, 400 में तीन कमांड दिए जाते हैं, आर योर मार्क्स, सेट एंड गो। जबकि लॉन्ग डिस्टेंस रन में दो कमांड दिए जाते हैं, ऑन योर मार्क्स, गो। जैसे कि जो स्प्रिंट दौड़ होते हैं, सिटिंग स्टार, क्राउच स्टार दिए जाते हैं बैठकर, और जबकि लॉन्ग डिस्टेंस रन जो होते हैं उसमें स्टैंडिंग स्टार, खड़े होकर स्टार दिया जाता है। तो सेट के आदेश पर जो
बॉडी पोजीशन होता है वो अस्थायी संतुलन में होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिगम का नियम नहीं है? तो थार्नडाइक ने सीखने के तीन सिद्धांत दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रतिक्रिया का नियम आपका सीखने का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, संतुलन का प्रकार है, तो संतुलन तीन प्रकार के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी स्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि अस्थायी संतुलन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यानी कि उदासीन संतुलन। यहाँ पे सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? यानी कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर एग्जांपल्स ऑफ यूज न्यूटन्स लॉ। तो यह न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, ठीक है। यानी कि जितना बल आप वस्तु पर लगाएंगे, वस्तु भी उतना ही बल आप पर लगाएगा। जैसे कि गेंद को दीवार पर फेंकना, तो जितनी स्पीड से आप फेंकेंगे उस पर, उतना स्पीड से वापस आपके पास आएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों, कुश्ती का खिलाड़ी दाव लगाने के लिए सबसे अधिक किस संतुलन का प्रयोग करता है? विच बैलेंस डज ए रेसलिंग प्लेयर यूज मोस्ट टू प्लेस ए बेट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्थायी संतुलन का यूज करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। क्योंकि पहलवान जब संतुलन की स्थिति में होगा तो वह दाव के समय शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया है दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया है न्यूटन ने। किसने किया है? न्यूटन ने। यानी कि पिंड का गुरुत्वाकर्षण नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने किया था। गुरुत्वीय केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शरीर रचना या पिंड का वह बिंदु है जहां पर उसका प्रभाव यानी कि समस्त भार कार्य करता है, केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बढ़ाने के योग्य है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या बढ़ाने के योग्य है? ये फोर्स एंड स्पीड दोनों को बढ़ाता है, यानी बल और गति दोनों को बढ़ाने के काम करता है। बल और स्पीड दोनों को बढ़ाने के काम करता है कौन? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, जिसमें एक्सिस बीच में होता है फोर्स एंड रेसिस्टेंस की। नेक्स्ट है, संतुलन निर्भर करता है। तो दोस्तों संतुलन जो है, जितना वस्तु का चौड़ा आधार रहेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जितना नीचे रहेगा उतना ही अच्छा संतुलन रहेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के चौड़े आधार। यानी जब किसी वस्तु पर कोई बल एक साथ इस तरह कार्यरत हो कि वस्तु ना तो रेखीय गति करे और ना ही घूर्णन गति करे, इस स्थिति को हम कहते हैं संतुलन की स्थिति। शरीर की बड़ी सतह का मैदान के साथ संपर्क होने से सहारा देने वाला आधार भी बड़ा होता है, अतः बैठी अवस्था में सहारा देने वाला आधार खड़े होने की अवस्था में अधिक होता है। यानी वस्तु का जितना आधार चौड़ा होगा संतुलन उतना ही अधिक होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक पर 100 मीटर की धावक की ऊपर बाजू गति जो है उदाहरण है। तो यह उदाहरण है रेखीय गति का। किसका? रेखीय गति का। क्योंकि जो ट्रैक होता है 100 मीटर की सीधे सीधे लाइन पर दौड़ा जाता है, इस लाइन पर नहीं दौड़ा जाता है, ठीक है, सीधे लाइन पर ही दौड़ा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए सारी शिक्षा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसके लिए व्हाट शुड बी फिजिकल एजुकेशन करिकुलम फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन? तो बढ़ते हुए बच्चों के लिए सारी शिक्षा पाठ्यक्रम जो है, करिकुलम जो होता है, वो बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। क्योंकि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम यानी सीखने की संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहलाता है।
रेखीय गति एक उदाहरण है। तो रेखीय गति मतलब सीधी दौड़, सीधी रेखा में गति, ठीक है। रेखीय गति मतलब सीधी रेखा में गति। वक्री गति मतलब वक्राकार गति, ठीक है। तो जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान होती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि एक साइकिल सवार एक सीधी सड़क पर जा रहा है तो साइकिल सवार की गति सरल रेखा गति या कहलाएगी। यदि एक लड़का फुटबॉल के मैदान में एक तरफ के की रेखा के साथ साथ चल रहा है तो दौड़ रहा है तो वह सरल रेखीय गति कहलाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसेप्स मांसपेशियां जो फोर आर्म से जुड़ी होती हैं कार्य करती हैं। तो एक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के रूप में काम करती हैं। किस श्रेणी के? प्रथम श्रेणी के, क्योंकि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, एक्सिस बीच में होता है। कौन बीच में होता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है। एंड द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में फोर्स बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तर में एक्सिस बीच में होता है। तो बाइसेप्स मांसपेशियां जो फोर आर्म से जुड़ती हैं और बीच में जो हमारे एल्बो से ज्वाइंट हो जाती हैं दोनों, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट होती है वो एक्सिस का काम करती है। नेक्स्ट है, भटकना, घूमना, झुकना, खड़े होना, उठना, उठाना, चलना, सब किस पे निर्भर करता है? तो ये सभी निर्भर करती हैं निचली पेट पर, ठीक है, लोअर बैक पर, यानी कमर के निचले भाग या पीठ को लचीला बनाने के लिए पीठ का यह व्यायाम मटकना, घूमना, खड़े होना, उठना, चलना, यह सब कमर के लचीला बनाने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट दोस्तों, उछल कूद व्यायाम में हाथों एवं पैरों का उपगमन एवं अपगमन में उपयोग होता है। तो इसमें भूपृष्ठ समानांतर सतह का उपयोग होता है, भूपृष्ठ समानांतर सतह का उपयोग होता है, यानी उछल कूद व्यायामों में हाथों एवं पैरों का ऊपर नीचे होना, यह पैरों द्वारा जमीन के तट पर तलवों का सपोर्ट तथा हाथों का लोकोमोशन द्वारा उपयोग कर शरीर का बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का संवेग ज्यादा होता है तब, कब होता है? किसी वस्तु का संवेग ज्यादा होता है तब क्या होता है? यदि किसी वस्तु का संवेग जो है when does an object have more momentum, तो उस समय किसी वस्तु का संवेग ज्यादा होता है तब वो वस्तु ज्यादा दूरी तय करेगी, वह वस्तु ज्यादा दूरी तय करेगी। जैसे कि ये न्यूटन के सेकेंड लॉ यानी कि संवेग के नियम पर आधारित होता है। जो संवेग होता है वह बल के समानुपाती और भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बल जितना लगाएंगे गति उतना ज्यादा होगा और भार जितना ज्यादा होगा गति उतना कम होगा, भार जितना कम होगा गति उतना ज्यादा होगा, इसलिए बल के समानुपाती और भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर समायोजन के लिए कौन सी प्रशिक्षण प्रणाली सर्वोत्तम रहेगी? तो विच ट्रेनिंग सिस्टम विल बी बेस्ट फॉर बॉडी एडजस्टमेंट, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका इंटरवल ट्रेनिंग, अंतराल प्रशिक्षण। डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन ऑकेन ने इसको खोजा था, अंतराल प्रशिक्षण को। जो स्पीड एंड्योरेंस को मेजर करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की शारीरिक सीमाओं से बाहर स्थित बाहरी एक्सिस किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो यह समानांतर छड़ पर जिम्नास्ट का झूलना, ये आपका प्रतिबिंबित होता है।
यानी कि उत्तोलक जो है एक प्रकार का साधारण यंत्र होता है, लेकिन खेल के दृष्टिकोण से यह हिलने डुलने के लिए मानवीय उपकरण है जिसकी मानव शरीर में कंकाल मांसपेशी तंत्र से तुलना की जा सकती है। उत्तोलक एक दृढ़ छड़ होता है जो एक बिंदु के चारों ओर घूमती है, जिस बिंदु के चारों ओर घूमती है उसे आलंब कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहाँ जो अवतोलक की परिभाषा दी है वह यांत्रिक रूप में है, लेकिन जब हम इसे मानव शरीर का रूप देते हैं तब जो मानव की हड्डी वह दृढ़ छड़ होती है, हड्डी ही क्या होती है, दृढ़ छड़ होती है, जबकि संधि या जोड़ जो होते हैं वो फलक्रम एक्सिस का काम करती है और जो मांसपेशी होती है वो फोर्स का काम करती है। नेक्स्ट है तेज गति की दौड़ों में मुख्य कारक है। तो तेज गति की दौड़ों में मुख्य कारण क्या होती है, व्हाट इज द मेन फैक्टर इन हाई स्पीड रेस। तो मांसपेशी तंतु के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर में होता है, जैसे कि दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं मसल्स में, व्हाइट मसल फाइबर एंड रेड मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर जो होती है फास्ट ट्विस्ट फाइबर यानी जल्दी जल्दी संकुचित होती है, जबकि रेड मसल फाइबर जो होती है स्लो ट्विस्ट फाइबर यानी धीरे धीरे संकुचित होती है। जो व्हाइट मसल फाइबर होती है वो स्प्रिंटर यानी कि एरोबिक क्रियाओं के लिए यानी कि बहुत हाई फोर्स लगा के आप काम कर रहे हैं, मसल्स बिल्ड हो रहा है उसमें आपका व्हाइट मसल फाइबर जो है काम करता है, जबकि एंड्योरेंस वाले ज़्यादा समय की क्रियाओं के लिए आपका रेड मसल फाइबर स्लो ट्विस्ट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्षेपण की उड़ान केवल ऊंचाई और समय पर निर्भर करती है। तो एक प्रक्षेपण की उड़ान केवल ऊंचाई और समय पर निर्भर है, तो वो है आपका प्रारंभिक लंबमान वेग पर यानी कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पर, यानी कि वस्तु के उड़ान में समय की अधिकतम ऊंचाई पर निर्भर करती है, यानी क्योंकि एक वस्तु उड़ान में इतने अधिक समय तक रहती है जितने में वह लंबवत क्षेत्र में चलायमान होती है। वस्तु पर प्रवेज्य बल का क्षैतिज घटक उड़ान के समय से संबंधित नहीं होता है, यानी कि मान लीजिए एक गेंद को क्षैतिज तल पर कंधे की ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जाता है और वह तल पर उसी समय गिरेगी जैसे कि समान ऊंचाई से समान गेंद नीचे गिराई जाती है। यदि गेंद का प्रक्षेपण नीचे की दिशा में होता है तो वह गिराई गई गेंद से अधिक शीघ्रता से तल को स्पर्श करेगी। जितनी अधिक ऊंचाई गेंद प्राप्त कर लेती है उतने ही अधिक समय वह उड़ान में रहेगी। नेक्स्ट है, किस कोण के पश्चात अतिरिक्त खिंचाव प्रारंभ होता है। आफ्टर व्हाट एंगल डज एडिशनल स्ट्रेन स्टार्ट। तो दोस्तों किस कोण के पश्चात अतिरिक्त, जैसे कि आप अपने हाथ को एक कंधे को अपने लेवल पर समानांतर आप उठाए तो एब्डक्शन हो गया, एंड और पूरा ऊपर उठा देते हैं तो हाइपर एक्सट्रैक्शन हो जाता है जो 180 कोण तक चला जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 अंश के कोण पर खिंचाव विपरीत दिशाओं में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतान संकुचन को यह भी कहते हैं। यहाँ पे आइसोमेट्रिक की बात हो रहा है, समतान संकुचन को, आइसोमेट्रिक को हम स्थिर संकुचन यानी कि स्टैटिक कंट्रक्शन भी बोला जाता है। इसमें तनाव तो बना रहता है और मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता है, जैसे कि दीवार को धक्का मारना। नेक्स्ट दोस्तों, फेंकने वाले द्वारा जिस दिशा में गोला फेंकने में बल लगाया गया है वह निर्धारित करता है। तो यह क्या निर्धारित करता है, इसके विमोचन का कोण यानी कि इट्स एंगल ऑफ रिलीज, किस एंगल पर आप किस कोण पर फेंक रहे हैं, वह फेंकने वाले द्वारा जिस दिशा में गोला फेंकने में बल लगाया जा रहा है तो कितने कोण पर लगाया जा रहा है यह निर्धारित करता है। यानी कि 45 अंश के कोण पर फेंकेंगे तो ज्यादा दूरी तय करेगी, 90 अंश के कोण पर कोई दूरी तय नहीं करता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के शरीर की मुद्रा तब तक ठीक ठाक रहती है जब तक उसके शरीर में उनके बीच संपूर्ण संतुलन हो। तो कौन वाला संतुलन हो, तो
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दिशा मुमुक्षुता एवं गति। दिशा मुमुक्षुता एवं गति यानी कि किसी व्यक्ति के शरीर की मुद्रा तब तक ठीक ठाक रहती है जब तक उसके शरीर में उनके बीच दिशा मुमुक्षुता एवं गति संतुलन हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को संतुलित करते हैं तब तार गोला क्या होगा? तो तार गोला क्या करेगा? और अधिक गति से चलेगा। जब हम तार गोला को घुमाते हैं तो उस कंडीशन में अंदर की तरफ केंद्र की तरफ ज्यादा बल लगता है यानी कि सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्रीय बल ज्यादा लगता है और अपकेंद्रीय बल कम लगता है यानी सेंट्रीफ्यूगल। और जब फेंकते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ बल ज्यादा होता है लगता है और अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल कम लगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। सभी चीज़ें मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।